गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, DSR पब्लिक स्कूल सिकड़ौलक लख धांचुआ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित सर, क्लास 4 का साइंस सब्जेक्ट का पेज नंबर 6 का अध्ययन करा रहा हूँ। इसके पहले हम लोग पेज नंबर 5 का अध्ययन कर चुके हैं। प्लांट्स इन प्लेन यानी मैदानी पौधे, मैदान में के जो पौधे होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्लांट्स हैव नाइदर टू हॉट और हॉट नॉट टू कोल्ड। मैदानी जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स जो पौधे होते हैं, न इनको ज़्यादा जो होती है गर्मी की ज़रूरत होती है, न ही अधिक ठंडे की ज़रूरत होती है। डैट इज प्लेन हैविंग मॉडरेटेड क्लाइमेट्स और प्लेन मॉडरेटेड एंड देयर इज इनआउट रेनफॉल इन ऑल रीजन। यानी ये मध्यम जो पर्यावरण होते हैं, क्लाइमेट जो होती है, इनमें भी ये क्या होते हैं आपके आसानी से उग जाते हैं और आसानी से ये जो होते हैं वृद्धि भी कर लेते हैं। प्लेन प्लांट्स इन प्लेन्स हैव फ्लोइंग फीचर्स, ये मैदानी जो पौधे होते हैं इनके कुछ विशेषताएं जो होती है जो निम्न प्रकार से हैं। ट्रीज हैव सॉलिड स्टेम विथ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड हैज विल डेवलपमेंट रूट सिस्टम। इनके जो ठोस तने होते हैं और ये अधिक मात्राओं में, इनकी जो संख्या अधिक माने संख्या में शाखाएं निकली हुई होती हैं और इनके जड़ जो होते हैं बहुत गहराई तक गए होते हैं। सम प्लांट लाइक जैसे कुछ पौधे आपके राइस हो गए, यानी कि चावल के, वीट गेहूं के, माइज मक्की के एट्सेट्रा इन इत्यादि हैव लीव्स विथ ऑस्टोमाटा ऑन द बोथ सरफेस। इनके जो होते हैं इनके पत्ते पे ऑस्टोमाटा होते हैं, ऊपरी सतह पर ऑस्टोमाटा पाए जाते हैं। प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड्स। और ये जो प्लांट्स जो होते हैं ये शेडेड होते हैं, जो कि इनके पत्ते जो होते हैं शेडेड होते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट सुरक्षित रखते हैं हमेशा ठंडे से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड डिसीड्यूस प्लांट्स, यानी ये जो पौधे होते हैं इनको हम लोग पतझड़, इनकी पतझड़ प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। विल न्यू लीव अपियरिंग इन द स्प्रिंग सीजन, और आपका जो होते हैं जो स्प्रिंग की सीजन जो आती है तो ये क्या होते हैं अपने वसंत ऋतु में ये अपने पत्ते को झाड़ देते हैं और आपके फिर एक नए पत्ते का उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आपका नीम है, मैंगो है, गुलमोहरा है, शीशम है, जो आपको फिगर में भी दिखाया गया है, ये सब आपके स्प्रिंग सीजनली प्लांट होते हैं। सम कॉमन प्लांट्स आर नीम, मैंगो, गुलमोहरा, शीशम्स एंड बनियान। ट्रीज लाइक कोकोनट एंड टीक ग्रो इनटू हॉट एंड डीप रीजन आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स। और उसी तरह से आपके जो हैं
जैसे आपके कोकोनट यानी कि नारियल के हो गए पेड़ और टिक का जो पेड़ हो गया, ये जो होते हैं गर्म वाले स्थानों पे उगते हैं और अधिक गहराई तक क्या होते हैं ये इनके जड़ गई होती हैं और ये आपके ये जो होते हैं गर्म स्थल वाले होते हैं और इसीलिए जो होते हैं नम स्थानों पे भी डैम्प मतलब होता है नम स्थान होता है और ये डैम्प जो होते हैं यानी कि नम जगहों पे ये उगते हैं और इस तरह के पौधों को हम लोग एवरग्रीन सदाबहार पेड़ कहते हैं। प्लांट्स इन डिजर्ट्स यानी कि रेगिस्तानी पौधे, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे। डिजर्ट्स आर हॉट ड्राई एंड सैंडी, हम लोग को ये जानकारी है कि डिजर्ट जो है मरुभूमि जो है मरुस्थल जो है वह आपका गर्म सूखा और बालू से भरा हुआ होता है। दीज आर द एरियाज वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ की जो एरिया जो होती क्षेत्र जो होती है वहाँ पर बहुत कम मात्राएँ में वर्षा होती है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन द डिजर्ट्स आर एक्सरोथिक्स, यानी कि ये जो होते हैं आपके इस जो मरुभूमि में जो उगने वाले जो पौधे होते हैं, दो डिजर्ट्स में उगने वाले जो पौधे होते हैं वह शुल्क वाले पौधे होते हैं, उसमें हमेशा शुल्क रहता है, कांटे रहती हैं, कटेदार ज़्यादा होते हैं ये पौधे। फ्लोइंग्स आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स इन देयर रीजन, इनके निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं। प्लांट्स नाइदर डू नॉट हैव लिप्स, ये जो प्लांट होते हैं इनके लिप्स नहीं होते हैं, इनके पत्ते नहीं होते हैं। हैव वेरी स्मॉल लिप्स टू रिड्यूस और लॉस इन वाटर्स, और ये बहुत छोटे होते हैं पत्तों के रूप में और इनमें ये पानी की अनुपस्थिति में भी अपने आपको जीवित रखते हैं। डिजर्ट्स प्लांट्स लाइक प्लांट्स वर्ड्स एंड आयरन वुडी हैव थीनी लिप्स, कैक्टीज डू नॉट हैव लिप्स, ये जो डिजर्ट जो होते हैं आपके ये कठोर होते हैं इनके यानी कि जो होते हैं कठोर इनके वुड होते हैं तने होते हैं और साथ ही साथ जो होते हैं ये आपके जो इनके जो पतले इनके होते हैं लिप्स। दे हैव थिक फ्लैश एंड ग्रीन स्टेम डैट हेल्प्स देम टू प्रिपेयर देयर फूड, इनके जो गद्देदार यानी कि फ्लैश जो हो इनके जो भाग होते हैं स्टेम जो होती है हरे और ग्रीन और फ्लैश स्टेम जो होते हैं और थिक मतलब मोटे जो होते हैं इनके तने, वहीं इनको भोजन बनाने में भूमिका निभाते हैं। देयर स्टेम हैव नीडेड नीडल्स और थर्न्स एंड कैन स्टोर वाटर, ये जो होते हैं इनके नीडल जो होते हैं और इनके शुल्क जो होते हैं वह शुल्क जो होते हैं वे आपके स्टोर करते हैं वाटर को, अपना स्टोर करने में आपके भूमिका निभाते हैं। रूट्स ऑफ सच प्लांट्स यानी कि स्पेयर्ड ओवर ए लार्ज एरिया डीप बिलोंग द ग्राउंड अब्जॉर्ब इन आउट वाटर, और ये आपके जो इनके जड़ जो होती है अपना चारों तरफ फैली हुई होती है, स्पेयर्ड होती है ग्राउंड पर फैली हुई होती है, जो कम वहाँ से जो होती है अपना ऑब्जर्व पानी को ऑब्जर्व सूखने में मदद करती है। सम कॉमन प्लांट्स इन देयर रीजन आर कैक्टस कीकर डेड पॉलन एट्सेट्रा, यानी
इत्यादि कुछ जो है आपके एग्जाम्पल जो हैं डिजर्ट्स प्लांट्स के बारे में, जो कि आपके जैसे आपका कैक्टस हो गया और आपका कीकर का प्लांट हो गया और डेट पलम हो गया, आपका खजूर हो गया, ये सब जो है आपके ये डिजर्ट्स के पौधे होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट्स और हिल्स के बारे में जानकारी लेंगे। अब आप लोगों को दोनों का फीचर लर्न करके आना है, दोनों का आप लोगों को प्लांट्स इन प्लेन और प्लांट्स इन डिजर्ट्स का फीचर आप लोगों को राइट करना है और साथ साथ लर्न करना है। इसके बाद आपका हार्ड स्पेलिंग भी लर्न करना है, एवरग्रीन प्लांट्स किसे कहते हैं पूरा डिफाइन इसमें से करना है। ओके